आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज, कलम की ताकत। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। ग्राम पंचायत बुकिया के सरपंच पति का एक महिला के साथ पकड़े जाने के मामले में दूसरे दिन भी कोई कार्रवाई ना होने पर ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जिला मुख्यालय श्री गंगानगर के कस्बे जेतसर निकटवर्ती ग्राम पंचायत बुकिया में रविवार दोपहर ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच पति द्वारा एक महिला के साथ पकड़े जाने का कथित मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्रिस संदेश न्यूज चैनल को उक्त मामले की मिली जानकारी के अनुसार उक्त मामले के गांव के कुछ ग्रामवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई थी। उल्टा उनके खिलाफ उक्त संबंधित सरपंच पति द्वारा व जागरूक ग्रामीण शिशुपाल द्वारा उक्त सरपंच पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाए जाने की जानकारी मिली है। उक्त दोनों मामलों की जाँच संबंधित डिप्टी द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त गंभीर मामले के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा घटना के दूसरे दिन तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। देखिए हमारे संवाददाता कर्ण सिंह दावला की यह विशेष रिपोर्ट। यह वीडियो साहब को देनी चाहिए, जो उनका चैन ऑफ कमांड है वो तो उधर करे। इसमें जो आपने क्या कहा, क्या बात है, ये हाथापाई करी, किसके साथ करी? शिशुपाल के साथ जी। ठीक है, तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया क्या? विजय सर करें, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश करवा के मैं आपको सही त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा हूँ। सही, बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही कि मैं गिरफ्तार कर लूंगा या नहीं करूंगा, इन अनुसंधान से जो पाया जाएगा वो कानूनी कार्रवाई पर। बिल्कुल सर, यही उम्मीद है सर, बिल्कुल सर आपसे यही उम्मीद है। हम लोग मीडिया के लोक संबंध अखबार देखते हूँ और बुजुर्ग भी हूँ यहाँ सभी अखबार वालों से। मेरा ये निवेदन है आपसे सुनकर के कि आपने बहुत अच्छा हम लोगों का आश्वासन दिया है, सच्चाई होनी चाहिए, सच के हम साथ हैं, झूठ के हम। हमारा इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपके सामने आ जाएगा सर ये बात हुई, इसमें इतना बनता है ये नहीं बनता है, जो बनता है वो होगा। क्योंकि अपराध को अगर मैं निर्मित करने लग जाऊंगा तो फिर मैं कभी सच नहीं कर पाऊंगा, और जो है उसको नहीं करूंगा तो भी सच नहीं कर पाऊंगा, तो जो है वो कर देंगे। सर इस मामले पे एक क्वेश्चन है, इनको अभी लेके आए हैं मौका वारदात पे, इनका मेडिकल मामला है, इसको मेडिकल इसको लेके ये सरपंच बता रहे हैं, इनको आप लेके आए हो, पकड़ के लाए, पुलिस लेके आई है, अपने प्रेमराज जी एएसआई लेके आए, तो मेडिकल करवा देते हैं, इसमें मेडिकल में क्या दिक्कत है? हाँ, इसका क्योंकि ये शराब भी पीता है वहाँ सरकारी ऑफिस के अंदर सब गलत, लेकिन ये सरकारी ऑफिस की शराब की शिकायत तो आपको एसडीएम से करनी पड़ेगी। तो सर आप समझो, पुलिस के अधिकार क्षेत्र सीमित है, मैं किसी सरकारी ऑफिस में ऐसे किसी को भी जाके पकड़ लाऊंगा तो मेरे पास क्या अधिकार है बताओ, किस कानून में? तो एक अधिकार क्षेत्र सीमित है, हम अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करें। इनको आप पकड़ के लाए हो? पुलिस लेके इनके खिलाफ क्या शिकायत है? ये शिकायत जो लिखी दी है क्या चीज, ये मारपीट करी, तो मारपीट का तो इन्वेस्टिगेशन होगा, मारपीट का तो इन्वेस्टिगेशन होगा, मेडिकल तो उसका होगा जिसके चोट लगी है, उसके चोट भी लगी, उनका मेडिकल कराएंगे हम। इनका अगर मान लीजिए नशा शराब में भी है तो वो आ जाएगी बात सामने इन्वेस्टिगेशन, उसके मान लो मेडिकल, चलो सपोज करो उनका मेडिकल करा लिया तो क्या? अब रिपोर्ट के करीबन 11 बज गए हैं और कल का जो मुद्दा था आपने देखा कि यहाँ पुलिस के द्वारा एक लेडीज भी बरामद की गई, और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ कि पंचायत घर के अभी तक ताला लगा हुआ है, ये देखिए गेट के मेन गेट के लॉक लगा हुआ है अभी तक, और लॉक अभी तक खुला नहीं है, कोई भी जो कार्रवाई अभी तक ग्रामीणों का मानना है कि कल के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक कोई कर्मचारी जो है ग्राम पंचायत का वो आया नहीं है, और ग्रामीणों के अंदर रोष है, जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं इस मामले को लेकर कि कल की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, और ग्रामीण इसके पूरे सहमत हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। सर ये जो है कल जो घटना हुई यहाँ उसके आप सहमत में हैं? हाँ बिल्कुल सहमत में, भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल कार्रवाई, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कल एसपी साहब भी यहाँ आए हुए थे, एसपी साहब ने भी ये निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर जो है इन्वेस्टिगेशन होगा,
और मुकदमा दर्ज भी होगा, तो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, और सरपंच का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सरपंच का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सरपंच ने क्या मुकदमा किया? मानहानि का केस किया है उन्होंने, और जो बिल्कुल गलत है, जो गांव को गांव की बदनामी खिलाफत है। अच्छा, गांव की बदनामी होती है इसके अंदर, ऐसे काम इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो किस प्रकार के काम होते हैं आप बताओगे थोड़ा सा? गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या गलत हो रहा है सर? क्या मतलब अंदर औरतें थी, गेट बंद करा हुआ था, उसके लिए गेट खुलाने के लिए कहा, ये गलत हुआ। ये गलत हुआ। और मैंने सुना है कि शराब भी पी रखी थी कल सरपंच ने, ऐसा भी कुछ आया मामला? शराब पी रखी थी, महिला की मौजूदगी थी और शराब मीट सब कुछ चल रहा था अंदर। देखिए, ग्रामीणों का मानना है कि महिला की मौजूदगी थी, महिला भी यहाँ बरामद की गई है, और एक तरह से गैर कानूनी धंधा है ये, जो सरकारी कार्यालय के अंदर शराब पीना, मीट खाना, जो कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रखी है जोगेंद्र सिंह, जो कि एक सरपंच पति है, ना कि सरपंच है, और जो अपना सब कार्रवाई अपने हाथ में रखते हैं। सरपंच इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती है, खास करके ये ग्राम पंचायत बुगिया जिसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई जो है, कल एसपी साहब ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन होगा, इसकी जांच होगी और पूरे तरीके से ये कार्रवाई भी की जाएगी। और मामला इसको है, उन्होंने बताया कि हमारे अंडर में ये मामला नहीं है, इसको आप वीडियो के अंदर दर्ज कराया जाए और एसडीएम के पास जाकर इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और इसके ऊपर जो है मामला दर्ज किया जाएगा। और ग्रामीणों का ये भी मानना है कि यहाँ जो सरपंच के द्वारा ग्रामीणों के कुछ नाम है, चुनिंदा नाम, उन चुनिंदा नामों पर मानहानि का दावा किया गया है, और सरपंच का मुकदमा पुलिस के द्वारा ले लिया गया है और ग्रामीणों का मुकदमा अभी तक दायर नहीं किया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत इस बुगिया के जो सरपंच हैं वो एक लेडीज़ है जिसका नाम राजवीर कौर है, और उनके पति हैं जोगेंद्र सिंह, जो कि एक सरपंच पति है, और इसको ग्राम पंचायत को जो है पर्सनल प्रॉपर्टी बना रखा है, ना कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकारी आम सार्वजनिक जगह है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। और बात 365 दिन की कार्य करने की, तो कार्य अगर 365 दिन करते हो तो उसके अंदर कोई भी ग्रामीण कभी भी आपके पास आ सकता है जब ऑन ड्यूटी हो। तो ये भाई साहब कल यहाँ मौजूद थे जिस टाइम ये घटना हुई, उस टाइम मौके पर थे, तो आपने जो घटना देखी और उसके बावजूद भी वो सरपंच पति आप आम लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा रहा है, तो क्या ये उचित है? क्या वो बात सही थी उनकी? सरपंच सही थे या ग्रामीण सही थे? ग्रामीण सही थे। नहीं, आपने क्या देखा उस समय? जब हमने देखा कि सरपंच साहब यहाँ पे औरतें आई थी, उन्होंने गेट खड़काया 15-20 मिनट और उन्होंने गेट नहीं खोला, बाद में हमने खड़काया गेट, फिर गेट खोला उन्होंने, सरपंच साहब आ रहे, उन्होंने गाली गलौज किया और शिशपाल के मारी, और उसके बाद वो अंदर नहीं बढ़ने दे रहे थे, हमने धक्के से अंदर बढ़ने लगे और उन्होंने फिर गाली गुली निकाली, अंदर से गेट लगा लिया, फिर गाड़ी निकालने लगा था, हमने बाहर से गेट लगा दिया। अच्छा, वो भागने की कोशिश कर रहा था उस समय आपने आगे से गेट लगा दिया। आप भी मौके पर मौजूद थे कल, तो आप बताओ कि जब वो भागने की कोशिश कर रहा था कि आपने गेट लगाया, उसके बाद जोगेंद्र सिंह की क्या प्रतिक्रिया दी? जोगेंद्र सिंह, हम गांव वाले सब साथ में, गेट उसने खोला था ना, जोगेंद्र सिंह अंदर नहीं आने दे रहे थे। क्यों नहीं आने दे रहे थे, कारण क्या था उसका? वो शराब पी रहे थे। अच्छा, और उन्होंने मीट बना रखा था। अच्छा, जो अपना रूम बना रखा उसने, खास ये बोल रहा था, तुरंत गाँव वाले साथ में गए, ठीक है, बाद में पैक लगा रहे थे और शराब का गिलास तोड़ा उन्होंने, शराब का गिलास वहाँ मिले, पहले शराब पी रहे थे। तो जो बात लेडीज़ की थी, वहाँ लेडीज़ मौजूद थी? लेडीज़ थी, गांव वालों कहना था, हम भी ये कह रहे हैं भाई लेडीज़ थी, सरपंच साहब कह रहे यहाँ लेडीज़ नहीं है, और सरपंच साहब ने यहाँ पर लेडीज़ को लॉक लगा दिया और सरपंच साहब कह रहे नहीं है, तुरंत बाद में पुलिस आई, बाद में ताला खोला और लेडीज़ वहाँ ब्राउन मिली। नहीं, लेडीज़ मिली उसके अंदर, तो पहले तो वो ये भी बात कर रहे थे कि इसके अंदर स्टाफ है और स्टाफ का कोई व्यक्ति भी अंदर नहीं था, और उसके बाद जब आपने गेट खोला तो क्या स्टाफ का कोई और व्यक्ति था या नहीं? जी नहीं था, वहाँ नहीं था, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। और एक और बात, जो कि जो सीट होती है, जहाँ सीट पे वो लेडीज़ बैठी मिली, वो सीट सेक्रेटरी की होती है, जो LDC कहा जाता है ग्राम पंचायत का, उस सीट पर बैठी मिली थी, और वो लेडीज़ जो है एक प्रेरक है,
प्रेरक का उस सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी अधिकारी की कोई सीट होती है कहीं भी किसी भी महकमे के अंदर, अगर वो अधिकारी उस दिन ना आए तो उसके ऊपर कोई प्रेरक या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी उस सीट पर नहीं बैठ सकता है, तो उसका भी दुरुपयोग किया गया है। आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से और एक दादागिरी करके इस ग्राम पंचायत के अंदर लोगों को काफ़ी बार डराया धमकाया भी जाता है, और इस जगह बिल्कुल जो ग्रामीणों ने कल मौका वारदात पे जो घटना देखी है वो 100% शुद्ध है। सर, आप कल जब आए यहाँ पे, आपने देखा क्या माजरा था? माजरा चेहरे से पता लग गया है, उसने गलत काम किया है, उसने गलत, वो पुलिस वालों ने उसको गाड़ी पे बिठा रखा था लेडीज को, और उसको खुद आके मैंने जब पुलिस उसको बिठा के ले जा रही थी उस टाइम पहुंचा, मुझे कुछ गांव वालों के फोन किए मेरे पास, भाई ये वारदात हुई है भुगिया पंचायत घर में। सर एक और, गलत एक और कल एसपी साहब आए हुए थे जो कि थाने का निरीक्षण करने आए हुए थे, हेमंत जी शर्मा, आपकी उनसे भी मुलाकात हुई, आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन किया दिया कि भाई इसकी जांच सही तरीके से की जाएगी, उन्होंने ये आश्वासन दिया। पर अपने रात को जो डॉक्टर में ना कराने जाते ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, अपना केस पहले दर्ज होता, उसने झूठा केस अपने पर पहले, हाँ, और केस में होता कुछ नहीं है, एक बार आदमी सर ये दर्द हुआ, इसमें उल्टा है कि उसका तो मान हानि का दावा जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, हाँ। और ग्रामीणों का मुकदमा था वो दर्ज नहीं हुआ है, जो वो तो डिप्टी साहब आ रहे हैं अभी कर रहे हैं दर्ज हो जाए, हाँ 101% मुकदमा दर्ज हो। अगर ग्राम वालों में इतनी ताकत है, जनता एक जनप्रतिनिधि बनाया, जनता ने बनाया, आज वो मजिस्ट्रेट ऐसा गलत काम करता तो उसको सजा देनी चाहिए, वो मजिस्ट्रेट है मुख्य पंचायत का मालिक है, एक मजिस्ट्रेट होता है, हम छोटी पावर नहीं, हमारे पास फुल मजिस्ट्रेट की पावर होती है हमारे पास, मदेर नारगन होगी। देखिए ये है भूतपूर्व सरपंच इसी ग्राम पंचायत से हैं, भुगिया ग्राम पंचायत से भूतपूर्व सरपंच ताराचंद जी शर्मा, इनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और बिल्कुल गलत धंधे यहाँ होते हैं, तो इन गलत धंधों पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई करवाई जाएगी, और ग्रामीण इनके साथ हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाया जाएगा और इस पर पूर्ण रूप से उचित कार्रवाई जो बनती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। क्रिस मीडिया जैत सर।